हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिवेक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है, आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे पेंटोप LS कैप्सूल के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इस कैप्सूल में जो है सॉल्ट क्या कंटेन है। तो दोस्तों, इसमें सॉल्ट कंटेन है पेंटाप्रोजोल प्लस लिवोसल्फ्राइड, तो दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। इसमें लिवोसल्फ्राइड है दोस्तों 75 mg डाला गया है और पेंटाप्रोजोल जो है 40 mg डाला गया है। और ये अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और MRP है दोस्तों इसका 236 रुपये, 10 कैप्सूल का एक स्ट्रिप है, 10 कैप्सूल की पैकिंग है दोस्तों, तो उसका 236 रुपये MRP है। ओके, पेंटोप LS कैप्सूल। तो बात करते हैं इसके क्या उपयोग हैं, क्या इसके लाभ वगैरह हैं। तो दोस्तों, इसका उपयोग जो है गैस्ट्रोस्फेगल रिफ्लेक्स रोग, जैसे हम एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं, उसका उपचार करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, एसिड रिफ्लेक्स एक दीर्घकालिक स्थिति है जो कभी कभी नहीं बल्कि लगातार सीने में जलन होने जैसी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि आपके पेट के ऊपर की मांसपेशी बहुत अधिक स्थिर हो जाती है और पेट की सामग्री को आपके ग्रास नली और मुंह में वापस आने देती है। पेंटोप LS कैप्सूल जो है एक आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है और सीने में जलन और एसिड रिफ्लक्स से जुड़े दर्द से राहत देता है। प्रभावी होने के लिए आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसे कि बताया गया है। जीवनशैली में कुछ साधारण बदलाव जैसे कि ज़्यादा लक्षणों को कम करने के लिए मदद करती है। इस बारे में सोचें कि कौन से खाद्य पदार्थ नाराजगी पैदा करते हैं, जो मतलब कि जो हम एसिड बनाते हैं उन्हें खाने से परहेज करें और उनसे बचने की कोशिश करें। छोटे अधिक और बार बार भोजन करें, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार भोजन करें। यदि आपका वजन अधिक है तो वजन कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजने का प्रयास ना करें। बिस्तर पर जाने के 3-4 घंटे के भीतर कुछ ना कुछ खाएँ, ठीक है। ये बिल्कुल एट ए टाइम खाना खाने के बाद हमें बेड पे नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो पेंटोप LS कैप्सूल के साइड इफेक्ट दोस्तों सामान्य वाले वो है, पेट दर्द, उल्टी आना, दस्त, सर दर्द, चक्कर आना, पेट फूलना और जीभ मचलना। ये है दोस्तों इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम ये साइड इफेक्ट जो है एलएमपीएस में अगर परेशान करें तो हमें अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि पेंटोप LS कैप्सूल जो है किस प्रकार हमारी बॉडी में काम करता है। तो दोस्तों, पेंटोप LS कैप्सूल जो है दो दवाओं का मिक्सण है इसमें, जैसे लिवोसल्फ्राइड और पेंटाप्रोजोल। तो लिवोसल्फ्राइड दोस्तों एक प्रोकेनेटिक है जो एक रासायनिक संदेहवाहक के स्त्राव को बढ़ाकर काम करता है। इससे पेट और आंतों की गति बढ़ती है और रिफ्लक्स एसिड का भोजन नली के तक जाने को रोकती है। पेंटाप्रोजोल एक प्रोटोन पंप अवरोध है, यह पेट में एसिड की मात्रा को कम करके काम करता है, जिससे एसिड से संबंधित अपच और अल्सर से राहत मिलती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जानकारी जो है पेंटोप LS कैप्सूल के बारे में वो समझ आ गई होगी। आपको जानकारी बढ़िया लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।